हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग पहुँच गए हैं सावरी होटल एंड फास्ट फूड। सावरी होटल एंड फास्ट फूड सौभाग्य नगर भुवनेश्वर में प्रेजेंट है। सौभाग्य नगर का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के जस्ट उसी के पास ही लेफ्ट साइड में आपको ये मिल जाएगा। ये रोड साइड में ही है सावरी होटल एंड फास्ट फूड। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही मिलते हैं, हर तरह का खाना यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन स्पेशली आज मैं यहाँ पे रोल खाने के लिए आई हूँ। हाँ, जब आपको रोल खाने का मन करता है तो आप लोग कहीं फास्ट फूड स्टॉल में चले जाते हो, लेकिन ये एक होटल है और यहाँ पे भी फास्ट फूड बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं आज नहीं, मैं 2012 से लेके 2022 आज तक जब भी मेरा रोल खाने का मन करता है, मैं यहाँ पे आती हूँ रोल खाने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी रोल मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों। और 10 साल हो गए इनके टेस्ट में ना, आप कभी भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हो। मतलब 2012 में जैसा था, 2022 में भी वैसा ही है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है रोल खाना। और ये मैंने वेज रोल ऑर्डर किया था जो कि वो बना रहे हैं। ये थे सारे स्टफिंग्स जो इसमें जाएंगे, लेकिन नॉनवेज भी इसका बहुत अच्छा है। तो मैं वेजिटेरियन हूँ यहाँ पे, मैंने इसीलिए वेज ऑर्डर किया था। मेरे सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे नॉनवेज ट्राई कर चुके हैं, तो उन्होंने भी रेकमेंड किया है यहाँ पे नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है। तो ये था पनीर, ऑनियन एंड कैप्सिकम जो कि वेज रोल में ही लोग डालेंगे। और ये था कैबेज, ये भैया यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर रहे हैं जो कि मेरे रोल के अंदर जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से, इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। तो यही है इसकी खासियत। इधर आप लोग आइए और इसे ट्राई कीजिए, और एक बार आओगे तो बार बार आने का मन ज़रूर करेगा, जैसे कि मैं आ रही हूँ 10 साल से। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये बना रहे हैं, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये प्लेस को। आप लोग रोल या फिर अदर कुछ फास्ट फूड भी आप खा सकते हो। ये वीडियो रोल के लिए है, तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए और रोल ट्राई कीजिए। देखिए तो मेरा वेज रोल अभी बन रहा है, रेडी भी हो गया। वेज रोल विथ पनीर स्टफिंग आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा, और क्वालिटी 50 रुपीज में मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग इधर आइए और ट्राई कीजिए। आप लोग देख सकते हैं उसके टेक्सचर को, जस्ट लुक एट दिस। तो ये था मेरा वेज रोल। बहुत ही यम्मी था और बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे इन्होंने किसी का ऑर्डर बना रहे थे, एग रोल बन रहा था, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया है। अगर आप नॉनवेज ट्राई करना चाहते हो, आप नॉनवेज भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ये बन रहा था एग रोल। तो एग रोल में चिकन वगैरह सब कुछ रहता है, और ये आपको 60-65 के अंदर आ जाएगा इसका प्राइसिंग। इसमें सॉस वगैरह भर दिए हैं इन्होंने, और जो भी स्टफिंग देना है उनको वो यहाँ पे भर रहे हैं। यहाँ के रोल की ना मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इस होटल के रोल के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं जब भी घर जाती थी तो ये रोल पैक करके लेके जाती थी, तो अभी भी मैं लेके जाती हूँ। कभी कभी वो लोग आते हैं तो यहाँ पे ट्राई तो करते ही हैं, क्योंकि यहाँ का रोल बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत डिमांड है इस रोल का। तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा हम साथ में आते थे। मैं ये उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के पास में ही है, तो मैं खुद उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आते थे और खा के जाते थे यहाँ पे रोल। तो रोल के अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट अदर फास्ट फूड भी मिल जाएगा, जैसे आपको ये चिकन तंदूरी दिख रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो जो भी नॉनवेज खाने का मन है जिसको, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा नॉनवेज भी खा सकता है। चिकन पकोड़ा वगैरह यहाँ पे डिफरेंट हर चीज़ यहाँ पे मिलता है, लेकिन स्पेशली मैं रोल के लिए गई थी तो इसीलिए मैं रोल को ज़्यादा
दिखा रही थी यहाँ पे, तो अदरवाइज आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये भैया यहाँ पे चिकन तंदूरी बना रहे थे तो इसका एक वीडियो मैंने ले लिया है। बाकी फास्ट फूड के अलावा यहाँ पे आपको लंच भी मिलेगा। ये दोपहर को 12 बजे से ये होटल खुल जाता है लंच, और उसके साथ साथ आप इवनिंग का स्नैक्स भी कर सकते हो और उसके साथ साथ डिनर भी कर सकते हो। यहाँ पे OUAT का हो या दूसरे कॉलेजेस का हो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। बहुत भीड़ रहता है इस होटल में ज़्यादातर, और मैंने खुद इसका लंच जो है, यहाँ पे थाली भी मिलता है और अदर वेराइटीज़ ऑफ फूड यहाँ पे मिलता है, तो मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया है लंच। बहुत टेस्टी था और इतना अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे भुवनेश्वर में आपको लंच मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये तंदूरी बन रहा था। तो ये था, ये बैठने के लिए यहाँ पे है जगह, और यहाँ पे आप लोग ज़रूर आइए। ये था उनका सी फूड। मैं इवनिंग में गई थी तो बना नहीं था, ये लोग ये सब बनाने वाले थे रात को, तो ये कुछ कुछ ऑलरेडी बना हुआ था जो कि यहाँ पे करी उन्होंने रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये क्रैब था, प्रॉन था वहाँ पे, तो हर टाइप का खाना आप यहाँ पे पाओगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है टेस्ट में भी और प्राइस में भी। एंड ये था वेज, तो वेज नॉन वेज बोथ मिलता है एंड बहुत बहुत टेस्टी है यहाँ पे खाना, तो आप लोग जाइए ट्राई कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं उसका एक फुल वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको मैं लंच दिखा सकूँ, हर डिफरेंट जो उनका मेन्यू है वो दिखा सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड आप यहाँ पे खुद जाइए और खुद एक्सप्लोर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, दैट विल बी बेटर। एंड मैंने तो रेकमेंड कर दिया कि आप लोग जाके एक बार फास्ट फूड ट्राई कीजिए, स्पेशली रोल ट्राई कीजिए। आप लोग एक बार जाओगे तो बार बार आने का मन करेगा, एंड बहुत ही अच्छा है ये स्टोर। तो ये होटल, ये थे उनके ओनर जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है ओनर। तो ये भैया काफ़ी फ्रेंडली है। जब मैंने उनको बताया कि मैं 10 साल से आ रही हूँ तो वो सुन के बहुत खुश भी हो गए थे। तो आप लोग यहाँ पे आइए, इस जगह को बहुत एक्सप्लोर कीजिए और खाना खाइए। और ये है साबरी होटल एंड फास्ट फूड, मैं दोबारा से बता रही हूँ, वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पे मिलते हैं। एंड मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब यहाँ के फ़ैन हैं। और ये है उसका चौक, सौभाग्य नगर का ट्रैफिक चौक, तो यहाँ पे ही लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। OUAT की तरफ से आओगे तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, पूरा रोड साइड में ही है ये चौक, आप देख लीजिए, सौभाग्य नगर का चौक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड टिल देन बाय।